सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अमेजिंग ब्लॉग। तो आज मेरे सामने खड़ी है एक ब्यूटीफुल सेडान। ये होंडा की सिटी है, जेड एक्स हाइब्रिड में आती है, टॉप एंड मॉडल है, लेकिन ये हाइब्रिड में है। ठीक है, लुक्स दिखाने से पहले इसकी की दिखा देता हूँ। इतनी प्रीमियम की यार, मैंने आज नोटिस किया है, इसकी होंडा की जितनी भी की है ना, ये एक तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट छोटी सी है और इसमें बटन्स काफ़ी सारे छोटे छोटे बटन्स दिए हुए हैं, लेकिन यार ये हैवी है। तो मतलब कई बार क्या होता है ना, ये प्रीमियम तो लगी रही है साथ ही साथ, और पकड़ने में मेरे को सही में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसकी की को। और एक्चुअल में अगर आप फील खुद करेंगे तो इसको हो सकता है आपको भी मज़ा आए। तो कॉन्सेंट्रेट करते हैं गाड़ी पे की। पहले तो मेरे लिए मैटर क्या करता है कि कभी भी अगर आप कोई भी गाड़ी लेते हैं ना, तो उसकी की थोड़ी बेटर रहनी चाहिए। मारुति ने अभी तक इस चीज़ को समझा नहीं है, लेकिन और ब्रांड ने ये चीज़ समझ ली है कि की पकड़ते ही ना आपको एक फील आनी चाहिए, तभी बंदा आगे गाड़ी को भी देखता है। ठीक है, तो वो चीज़ एक नोटिसेबल चीज़ें हैं। बाकी एक बार आपको मैं एक बार हेड यूनिट दिखा देता हूँ। इतनी प्यारी हेड यूनिट इस गाड़ी के अंदर दी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये DRLs हैं। नीचे इंडिकेटर के लिए अलग से आपको पोर्शन मिल जाता है। ये कुछ इस तरीके का LED सेटअप मिल जाता है, जो कि इतना प्रीमियम लगता है ना पर्सनली। और मेरे को ना सिटी का बेस मॉडल लेने का ही मन नहीं करेगा। अगर मैं सिटी अगर देख रहा हूँ और मेरा बजट अच्छा खासा है तो मैं इसका बेस मॉडल लूँ ही ना कभी। इतना प्यारा लाइट, अगर प्रीवियस मॉडल भी लूँ ना तो ये लाइट जरूर लगवाऊँ। तो ये चीज़ आपको क्या लगता है मेरे को कमेंट करके बताना, इतनी प्यारी लगी मेरे को ये लाइट। बाकी सामने के लुक्स की बात कर लेते हैं, तो एक बार सामने की लुक देख लो। तो कुछ आपको चेंजेस नज़र आ रहे होंगे होंडे के लोगों में, सराउंडिंग में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ब्लूइश चीज़ें ये जो है इसके अंदर यूज़ की गई है। सिर्फ इसका कारण सिर्फ यही है, जो ये कार ये हाइब्रिड मिल जाती है। बाकी उस तरीके का कुछ जो सामने अगर आप देखेंगे, क्रोम की आपको जो है लाइनिंग मिल जाएगी। नीचे की बात कर लेते हैं, तो कुछ इस तरीके का फॉग लैम्प मिल जाता है। नीचे आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें मिल जाती है, ग्रिल भी मिल जाती है, जो कि काफ़ी अमेजिंग लगती है देखने में। और इस गाड़ी के अंदर रेगुलर साइज़ वाली सनरूफ भी मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी है रेगुलर साइज़ वाली से भी। और एक बार गाड़ी की लेंथ देख लो, कितनी ही ज़्यादा अमेजिंग लेंथ इस गाड़ी की मिल जाती है। मेरे को पर्सनली इस गाड़ी से सही में प्यार हो गया है। 4 डिस्क ब्रेक इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। और अगर आप पीछे की बात करते हैं, तो कुछ इस तरीके का लुक मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगती है। सिटी की बैजिंग भी मिल जाएगी पीछे आपको, LED सेटअप मिल जाएगा, और हैलोजन सेटअप में इंडिकेटर मिल जाता है। और ब्रेक लैंप अगर हम बात करते हैं तो LED में आपको जो है मिल जाता है। बाकी यहाँ स्पॉयलर भी मिल जाएगा कुछ इस तरीके का, और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगती है। EHEV, इसका मतलब है कि ये हाइब्रिड व्हीकल है। और यहाँ आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है, शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है, डिफॉगर भी इसके अंदर मिल जाता है। सेडान्स में यूजली वाइपर नहीं होता, क्योंकि इनको जरूरत ही नहीं होती। एरोडायनेमिक्स इतने कमाल के होते हैं इन गाड़ियों के, जो पीछे वाला जो शीशा होता है वो गंदा ही नहीं होता कभी मिट्टी के जैसे। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। नीचे की पोर्शन की बात करते हैं, तो एक स्पोर्ट्स कार की तरह पोर्शन दिया हुआ है इसके अंदर, और कार्बन फाइबर वाला फिनिश दिया हुआ है। मतलब ये कार्बन फाइबर एक्चुअल नहीं है, फिनिश इसके अंदर जो है कार्बन फाइबर वाली दी हुई है, जो कि मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, पर्सनली काफ़ी ज़्यादा जो है अपील कर रही है। बाकी कुछ इस तरीके के आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। यहाँ आपको कैमरा मिल जाता है, जो कि काफ़ी अमेजिंग लगता है देखने में। और ओवरऑल जो कार की लुक है, मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छी लग रही है। टायर प्रोफाइल देख लेते हैं एक बार। इस गाड़ी के डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं डुअल टोन में, पियानो ब्लैक फिनिश के साथ साथ सिल्वर भी मिल जाता है। और एक्चुअली ये एक क्रोम मिलता है आपको, और गुडियर का टायर ऑफर कर रखा है इसमें। और 185 R16 inches का इसके अंदर जो सेक्शन टायर का वो मिल जाता है। लो प्रोफाइल टायर्स मिलते हैं, और वेरी गुड फॉर हाईवेज़। ये टायर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, मतलब अगर आपको मतलब बताऊँ, सेडान्स के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, ऑफ रोडिंग में भी, मतलब अगर आप थोड़ी बहुत भी ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। हालांकि कोई भी सेडान लेगा तो ऑफ रोडिंग हरगिज़ नहीं करेगा, हाईवेज़ का ही मज़ा उठाएगा और इसके कम्फर्ट का ही मज़ा उठाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हो जाती है। बाकी इसके शीशे अगर आप देखेंगे, हल्के टिंट मिलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेस से आपके जो स्किन को है ये प्रोटेक्ट करते हैं। ये जो ग्लासेस हैं आप देख सकते हैं, हल्के से टिंटेड है, हल्के से ग्रीनिश शेड में आपको मिल जाते हैं। बाकी इस तरीके का क्रोम में आपको डोर ओपनर मिल जाता है, रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, ये भी क्रोम डोर ओपनर आपको जो है मिल जाता है। बाकी एक बार गाड़ी के डायमेंशन जान लेते हैं, क्या कुछ डायमेंशन इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। जी गाड़ी अभी स्टार्ट है, इंजन नॉइस सुनो, कितनी प्यारी नॉइस इस गाड़ी के अंदर आ रही है। बाकी लाइट्स एक बार देख लो, कितनी ज़्यादा प्यारी लाइट्स इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है। फॉग लैंप्स भी आपको जो है प्रोजेक्टर में LED मिल जाता है, जो कि काफ़ी अमेजिंग लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस गाड़ी के एक बार डायमेंशन जान लेते हैं। तो 440 mm की इसके अंदर जो है लेंथ मिल जाती है, यानी कि
4,440 mm की इसके अंदर जो है लेंथ मिल जाती है, और अगर आप बात करते हैं इसकी विड्थ की तो 1,748 mm की इसके अंदर जो है विड्थ मिल जाती है, और अगर आप इसकी हाइट की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर 1,495 mm की इसके अंदर हाइट जो है आपको होंडा की ओर से प्रोवाइड की जाती है, या गाड़ी आपको ये प्रोवाइड करती है। बाकी अगर आप देख सकते हैं गाड़ी ऑन है, तो ऑन में इसका जो इंजन है अभी ऑफ हो रखा है, इसका जो बैटरी है वो पावर इसको दे रहा है, तो ये हाइब्रिड वर्जन है। तो ऑन मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से ऑन है, आपको लग रहा होगा कि यार ये ऐसी लाइट जला के दिखा रहा है, ऐसा नहीं है भाई, गाड़ी प्रॉपर ऑन है, एसी भी इसका प्रॉपर ऑन है, ठंडी कर रही है गाड़ी, और मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छी लग रही है ये गाड़ी का इंटीरियर, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा प्रॉपर अच्छी तरीके से, और कुछ चीज़ें आपको मैंने बता दी है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ORVM देख लो, कितना ही ज़्यादा प्रीमियम ORVM दिया हुआ है, एक मैट फिनिश में आपको जो है लाइट्स दी हुई है, और इसके अंदर 360 कैमरा भी मिल जाता है, ऑटो फोल्ड ऑटो एडजस्टमेंट के साथ आपको जो है ये ORVM मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा ह्यूज जो है ORVM मिल जाते हैं, जिसकी वजह से विजिबिलिटी आपको काफ़ी कमाल की मिल जाती है। तो चलते हैं फटाफट से इंटीरियर में, क्या कुछ स्पेस है, क्या कुछ फीचर्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंटीरियर में जाने से पहले डोर ट्रिम देख लो, कुछ इस तरीके का सॉफ्ट टच मिल जाता है, बाकी सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे ORVM से रिलेटेड, कुछ इस तरीके से फोल्ड भी हो गया है और एडजस्ट भी कर सकते हैं, बाकी पावर विंडो से रिलेटेड कंट्रोल, लॉक अनलॉक के लिए मिल जाता है, बाकी क्रोम डोर ओपनर मिल जाता है, बॉटल होल्डर मिल जाता है लगभग 1 लीटर के आसपास की इसके अंदर बॉटल आप होल्ड करा सकते हैं, हाइट एडजस्टमेंट सीट के साथ मिल ही जाता है, साथ ही साथ आपको एक लेदराइट सीटें मिल जाती है जो कि बेज फिनिश में है। सबर नहीं हो रहा मेरे को इंटीरियर में बैठना है, और इंटीरियर में मैं बैठ चुका हूँ, तो डोर थर्ड आप सुन ही सकते हैं कितना ही प्रीमियम डोर थर्ड जो है इस गाड़ी का आपको जो है मिल जाता है। अब एक बार इस गाड़ी की ना ओवरऑल चीज़ें देख लेते हैं, तो कुछ इस तरीके की सनरूफ आपको मिल जाएगी, और यहाँ से आप जो है इसका जो सनरूफ है ओपन कर सकते हैं, और देख सकते हैं पूरी ही पीछे कर दी है मैंने, क्या कुछ अच्छा खासा स्पेस इसके अंदर मिल जाता है। अब जो इस गाड़ी का जो इंजन है अभी स्टार्ट हो गया है, अभी मेरे को वाइब्रेशन फील हो रहा है, और जब तक इसकी बैटरी जैसे ही डिस्चार्ज हो जाएगी अपने आप ही जो है इंजन स्टार्ट हो जाएगा। तो हाइब्रिड का जो ओवरऑल कंसेप्ट है, मेरी ऑडियंस हो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि मेरी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है ना, और कुछ इस तरीके का स्टीयरिंग मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है, और ये लेदराइट मिल जाता है स्टीयरिंग, देख सकते हैं ये गाड़ी ऑन है ऐसे पता चलता है, देख रहे हो ये जो टायर्स हैं इस गाड़ी के जो है ओवरऑल ऑन हो चुके हैं, दैट्स वाई ये काफ़ी ज़्यादा जो है स्मूथ हो गया है और लूज़ हो गया है एक तरीके से। पैडल शिफ्टर्स भी हैं इस गाड़ी के अंदर, और ऑटो पार्किंग भी मिल जाती है, ब्रेक होल्ड भी मिल जाता है, वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है, और आर्मरेस्ट की बात कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके का आर्मरेस्ट मिल जाता है, स्पेस भी आपको दिखाई दिया, यहाँ कुछ स्पेस आपको मिल जाता है, एक बॉटल मैंने रखी हुई है जो कि मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, कुछ अच्छा खासा स्पेस के साथ देख सकते हैं। छोटी छोटी बोतलें जो है इसके अंदर दो आ सकती है, बाकी यहाँ दो कप होल्डर भी मिल जाता है, इको मोड भी इसके अंदर मिल जाता है, कुछ इस तरीके का इकॉन मोड आपको जो है इसके अंदर जो लिखा हुआ मिलता है वो मिलता है PRND B, ठीक है, तो ये बी मोड जो है इसमें क्या है, ब्रेकिंग गाड़ी खुद करती है और जो इसकी बैटरी है वो चार्ज खुद ही करती है, तो मतलब ये कुछ चीज़ें हैं, और कुछ इस तरीके की यहाँ चीज़ें सॉफ्ट टच भी आपको यहाँ भी मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी है। प्रीमियमनेस के मामले में गाड़ी कहीं से पीछे नहीं रहती है, कहीं से भी जो है आपको ऐसा फील नहीं होगा कि प्रीमियमनेस में जो है गाड़ी के अंदर जो है कमी है, ऐसा कुछ नहीं लगता। बाकी कुछ इस तरीके का ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है, और अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको जो है कैमरा भी जो है इसमें SH नहीं मिलता है, तो अगर मैं आपको बताऊँ तो ये नॉर्मली आपको ऑटो डिमिंग वाला मिल जाता है, आपको लाइट्स के कंट्रोल कुछ इस तरीके के मिल जाएंगे, और ये डोर लॉक अनलॉक के लिए मिल जाता है, बाकी ये देख सकते हैं डोर ऑफ, और ये कुछ इस तरीके से लाइट्स के लिए मिल जाता है, मतलब जैसे आप डोर ओपन करेंगे लाइट्स ओपन हो जाएगी, और अगर आप इसको ऑफ करेंगे तो डोर ओपन करने के बाद भी ये ऑन नहीं होगी। बाकी कुछ इस तरीके का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो कि मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है, और जो यूजिंग के लिए चीज़ें हैं मतलब यूज़ आपको इसको आराम से इसको कर सकते हैं, और ऐप्स की बात कर लेते हैं तो USB आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले चीज़ें आप जो है इसमें ट्राई कर सकते हैं, और फ़ोन वगैरह भी चीज़ें आप जो है इसके अंदर चेक कर सकते हैं, और बटन्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, सॉलिड लगता है बेसिकली, कहने का मतलब ये है, और यहाँ आपको कुछ इस तरीके से जो भी कनेक्टेड डिवाइस होंगे वो सारी चीज़ें, बाकी स्मूथनेस देख रहे हो कुछ इस तरीके की स्मूथनेस मिल जाती है। होंडा जो लोग अभी यूज़ कर रहे हैं उनको तो पता ही है इस गाड़ी के बारे में कि क्या कुछ चीज़ें इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है, कैसी ये गाड़ी है आपको लगती है, और
मीटर की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का एक हाफ डिजिटल मीटर मिल जाता है। एक साइड आपको जो है स्पीडोमीटर जो है आपको जो है एनालॉग मिलता है, लेकिन अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ आपको कुछ इस तरीके का जो है अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपको जो है एक डिजिटल मीटर मिल जाता है, जिसमें आपको ईवी मोड वगैरह भी बताएगा, चार्ज वगैरह भी बताएगा, तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि ये हाइब्रिड है। बाकी इसके अंदर क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है, ये भी आपको जो है क्रूज कंट्रोल जो मिलता है ये आपको एडास लेवल के साथ मिलता है, एडास लेवल 1, एडास लेवल 2 के साथ ये रडार आपको यहाँ मिल जाएगा, और ये एडास के साथ आती है तो आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी यहाँ पावर आउटलेट की बात करते हैं, 12 वाट का सॉकेट मिल जाता है, 2 USB सॉकेट मिल जाते हैं, यहाँ कुछ स्पेस मिल जाता है, स्पेस इसलिए दिए हुए यहाँ आप अपना फ़ोन भी रख सकते हैं, और अगर मेरे पास कवर है तो इस तरीके का आप इसको फ़ोन देखें तो अगर आप चार्ज करते हैं तो कुछ इस तरीके से फ़ोन रख सकते हैं। अगर आपके फ़ोन की चौड़ाई इतनी है तो ये काफ़ी बड़ा साइज़ आपको मिल जाता है। तो ये कुछ आपको मैंने एग्जांपल भी दे दिया एक तरीके से, और यहाँ आपको कुछ इस तरीके का जो है ग्लव बॉक्स मिल जाता है, जो कि है सिंपल कूल्ड नहीं मिलता है आपको, और सीटों की क्वालिटी टॉप नॉच यूज़ की गई है। अब एक बार इस गाड़ी को ऑफ़ कर लेते हैं, क्योंकि ऑफ़ करने से क्या है कि थोड़ा सा मतलब डिस्टरबेंस नहीं होती है, क्योंकि कई बार ना ये बंद हो जा रही है फिर स्टार्ट हो जा रही है, बंद हो जा रही है फिर स्टार्ट हो जा रही है। तो एक बार हम मीटर ऑन कर लेते हैं, तो यहाँ से आप इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो ये मैंने स्टार्ट कर लिया, कुछ इस तरीके से मीटर ये दिखता है, तो कुछ इस तरीके से चीज़ें मिल जाएगी। बाकी यहाँ से आप जो है चीज़ें चेक कर सकते हैं, सीट बेल्ट सेफ्टी, और यहाँ से सारी चीज़ें आप जो है अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, और काफ़ी अमेजिंग लग रहा है यार। सेटिंग्स वगैरह भी आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह भी मिल जाएगी कुछ इस तरीके से, यहाँ एक क्राउन भी दिया हुआ है जिसकी क्वालिटी काफ़ी टॉप नॉच यूज़ की गई है। बाकी इसके नीचे एक पियानो ब्लैक फिनिश यूज़ किया गया है, जिसके जो कई लोग काफ़ी ज़्यादा मिस कर देते हैं। बाकी इसके अंदर टिल्ट और टेलीस्कोपिक मैं दे चेक कर, टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरीके से ये वर्क करता है। बाकी यहाँ कुछ इस तरीके के ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स की आपको चीज़ें मिल जाती है, यहाँ आपको कुछ इस तरीके के वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, बाकी ये लाइट लेवलर आपको यहाँ मिल जाएगा। बाकी इधर की बात कर लेते हैं, आपको यहाँ कुछ इस तरीके के फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के लिए मिल जाएगा, और यहाँ आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, लाइट लेवलर भी मिल जाएंगे, ट्यूटर्स भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं, सनरूफ आपको मैंने दिखाई दिया, आपको सनब्लाइंड की बात कर लेते हैं, आपको कुछ इस तरीके का जो है सनब्लाइंड मिल जाता है, और वैनिटी मिरर के साथ, और को पैसेंजर साइड भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है। तो एक बार चल लेते हैं पीछे, क्या कुछ स्पेस है, क्या कुछ फीचर है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्रंट का लुक मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा है, और एक अच्छा खासा लुक इस गाड़ी का जो है प्रोवाइड कर रहा है। चलते हैं पीछे, पीछे की स्पेस की बात कर लेते हैं, तो कुछ इस तरीके का स्पेस मिल जाता है। सेडान्स में यूजली काफ़ी अच्छा खासा स्पेस इसके अंदर मिल जाता है, और अगर आप इधर की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का कप होल्डर भी मिल जाता है आर्मरेस्ट के साथ। नीचे दो आपको पावर वॉट के पावर जो है सॉकेट मिल जाते हैं, जो है 12 वॉट के, और पीछे एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं। और पीछे की बात कर लेते हैं तो यहाँ आपको कुछ इस तरीके की पॉकेट्स भी मिल जाती है, बाकी अलग से दो फ़ोन होल्डर भी मिल जाते हैं, इसमें भी दो फ़ोन होल्डर मिल जाते हैं, यहाँ आपको कुछ इस तरीके की पॉकेट मिल जाती है। डैशबोर्ड का लुक कुछ इस तरीके का, सनरूफ कुछ इस तरीके मिल जाएगी, बाकी कुछ इस तरीके का हेडरेस्ट मिल जाता है, और कुछ इस तरीके का ग्रैब हैंडल मिल जाता है जो कि यूजली ज़रूरत नहीं पड़ती है, और कुछ इस तरीके लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, और ये पियानो ब्लैक फिनिश में, मतलब यूजली होंडा की गाड़ी है ना काफ़ी प्रीमियम रहती है, और स्पेस तो मेरे को नेक्स्ट लेवल लग रहा है, और ये हल्का सा ऐसे उठा हुआ है जिसकी वजह से मेरा बैठने में मेरे को कंफर्टेबल लग रहा है काफी। स्पेस देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है, 5.7 हाइट में मेरी आपको मिल जाती है, और ये देखो कुछ इस तरीके का हाइट मिल जाता है, और मेरे को ना काफी कंफर्टेबल लग रहा है इस गाड़ी में एक्चुअली। अब चलते हैं बूट में, क्या कुछ स्पेस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बूट स्पेस की बात कर लेते हैं, तो लगभग 510 लीटर के आसपास के इसके अंदर बूट स्पेस मिल जाता है, और इसके अंदर हाइब्रिड है तो कुछ इस तरीके से कुछ जो बूट स्पेस में हल्का सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा खासा इसके अंदर बूट स्पेस मिल जाता है। स्पेयर टायर भी मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पतला है भाई, ये देख लो कुछ इस तरीके का, और एक साइज़ छोटा भी है, और कुछ इस तरीके का मैट आपको जो है इसके अंदर फ्लोरिंग करके देते हैं अपने जो है होंडा वालों। और यहाँ आप अगर इधर की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको जो है हेलोजन सेटअप मिल जाता है, इंसुलेशन प्रॉपर दी हुई है गाड़ी के अंदर, जो कि मेरे को पर्सनली काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है, 2/3 काफ़ी अच्छा खासा दिया हुआ है। अब एक बार इसका इंजन स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं, इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हो, पहले मैं पेट्रोल वाले के इंजन की बात कर लेते हैं, यहाँ मोटर अलग से दिया हुआ है आपको, और पेट्रोल वाले इंजन की बात कर लेते हैं, लगभग 27 की एवरेज आपको ये पूरे कॉम्बिनेशन के बाद आपको ये देगी गाड़ी। और पेट्रोल में जो है 1500 cc का इसके अंदर इंजन मिल जाता है होंडा का, काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी रिलायबल। और नंबर सिलेंडर की बात करते हैं, नंबर ऑफ सिलेंडर्स की बात करते हैं, तो 4 सिलेंडर मिल जाता है। पावर की बात करते हैं, 96.55 BHP आपको जो है इसके अंदर मिल जाएगा,
और अगर आप इसके टॉर्क की बात करते हैं, लगभग 127 Nm का इसके अंदर टॉर्क मिल जाएगा, ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं, लगभग 40 लीटर्स के आसपास का इसके अंदर जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है आपको मिल जाएगा। बाकी अब एक बार इसकी पावर्स की बात कर लेते हैं, जो मोटर निकाल के देता है, तो इसके अंदर जो मोटर आपको निकाल के देगा, जो बैटरी कैपेसिटी है 172.8 वोल्ट की आपको जो इसके अंदर बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है, 1500 सीसी का इसके अंदर इंजन मिल जाता है। और इसके अंदर आईवी टेक डीओएच विद वीटी इंजन मिल जाता है, जो इसका इंजन टाइप है, ठीक है। बाकी अगर मोटर टाइप की बात करते हैं तो एसी और परमानेंट मैग्नेटिक इंजन इसके अंदर मिल जाता है। पावर की बात करते हैं, लगभग 96.55 बीएचपी निकाल के देगा। और टॉर्क की बात करते हैं, 127 Nm का टॉर्क निकाल के देगा, वही सेम जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन के बाद निकाल के देगा। और इसके अंदर जो वॉल्व मिलते हैं पर सिलेंडर, वो 4 ही मिलते हैं। और इसके अंदर जो बैटरी यूज़ की गई है, लिथियम आयन की बैटरी इसके अंदर यूज़ की गई है। गियर बॉक्स इसके अंदर जो मिल जाता है, ECVT मिल जाता है आपको, और ये हाइब्रिड में आपको मिल जाएगा, प्रॉपर हाइब्रिड वाली ये जो है वर्जन मिल जाता है। बाकी इंसुलेशन काफ़ी अच्छी खासी दी हुई है, और बैटरी पे जब चलती है ना गाड़ी, तो बिल्कुल भी नॉइस नहीं करती है। सो जी, बात कर लेते हैं अब मेन मुद्दे की। फीचर्स तो देख ही लिए, गाड़ी भी देख ही ली, पसंद भी आ गई है। भाई इसके पैसे कितने हैं दिल्ली में? तो भाई 24 लाख रुपए की ये ऑन रोड आपको दिल्ली पड़ेगी, 24,440 रुपए के अराउंड आपको ये गाड़ी जो है आपको ऑन रोड दिल्ली कॉस्ट करेगी। तो अगर आपको ये पैसे रिलायबल लग रहे हैं तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, बाकी अगर आपको नहीं लग रहा तो मेरे को वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना। थैंक यू।